जी अब तो आप लोग खुश होंगे, फुरफुरा शरीफ के आ जाने से कम इसी बहाने से ही कम से कम कांग्रेस पार्टी को और वामपंथी दलों को लगेगा कि नैया कहीं पार हो जाए, हमारी मुसलमान वोट हमारी तरफ आ जाए। खुश हैं कि नहीं आप लोग इस गठबंधन से? देखिए चित्रा जी, हाँ। चित्रा जी पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस का अलायंस जो हुआ था वो पिछले इलेक्शन में भी था और इस इलेक्शन में भी है। फुरफुरा जो अलायंस में आया है वो उसका स्वागत है, परंतु ये कह देना कि हम मुस्लिम वोट के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं गलत है। पहले भी हमें बहुत मुस्लिम वोट पड़ती रही है और सेकुलर पार्टीज को पड़ती रही है। जहां तक बीजेपी का स्कोर बोर्ड की बात करनी है, बीजेपी प्रवक्ता इनका स्कोर बोर्ड देख लीजिए ना, नागालैंड में दोनों से अलायंस है, दोनों ही विध्वंसकारी प्रवृत्तियों की है। त्रिपुरा में जिनका अलायंस हुआ उसके खिलाफ भी पिछले 30 साल से बोलते थे कि इनको अंदर डाल दो, वो तिरंगे को नहीं मानते थे। मणिपुर में जिसके खिलाफ इन्होंने कहा था कि इसको जेल होनी चाहिए, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनके एडिशन देखिए आप, मुकुल राय उधर शारदा स्कैम में थे, इनके आते ही ड्राई क्लीन की मशीन में धुलते ही साफ हो गए, ड्राई क्लीनर बने हुए हैं ये आजकल बीजेपी वाले। या तो पैसे से फिनांस करेंगे या ड्राई क्लीनर बनेंगे। जिनको 35 साल की राजनीति में हमने बंगाल में जीरो कर दिया था, खत्म कर दिया था, उसको टीएमसी आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टीएमसी की भी राजनीति भ्रष्टाचार पे आधारित है, बीजेपी की राजनीति भी भ्रष्टाचार और लूट पे आधारित है। ये सिर्फ इंजाम राम करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 2000 के खिलाफ ये बोल, 2019 में देख लीजिए आप, पंजाब में अब पंजाब में कांग्रेस को देखकर खुश हुए जा रहे हैं आप लोग। वो इस साल आप देख लीजिए, ये बताइए ना, इस बार आप देख लीजिएगा पंजाब में, जोगा में, मनसा जिले में, 13 में से 12 सीपीआई जीती है नगर पालिका पंजाब में, इनका सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी वालों का। और आज कहता हूँ ये चैलेंज देते हैं हम इनको, ये आज ईवीएम हटा दें पूरे हिंदुस्तान में 40 MP नहीं जीत पाएगी बीजेपी। अब मतलब ईवीएम पर ही कुल मिलाकर आकर ठीकरा फोड़ देंगे आप लोग। अपराजिता जी वो कह रहे हैं ईवीएम हटा दीजिए फिर देखिए बीजेपी का क्या हाल होगा। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ईवीएम कोई देश नहीं ले रहा आजकल, भारत ही चला रहा है सिर्फ। अपराजिता बिल्कुल सही बात है। इनका एडिशन देखिए, नागालैंड में देश विरोधी ताकतों से अलायंस, मेघालय में देश विरोधी ताकतों से अलायंस, त्रिपुरा में देश विरोधी ताकतों से अलायंस, गौर से क्यों मानने वाली राजनीति प्रज्ञा को एमपी की टिकट देते हैं। आसाम में आईएसआई का झंडा फहराने वाला बीजेपी का लीडर, इनका इनका एडिशन देखिए इनका, अरे ये दाएं बाजू की पार्टियां बीजेपी भ्रष्टाचार कर करके यहाँ पे पहुंची है। अंधा पैसा पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम देखिए कहाँ पर है, बेरोजगारी कहाँ पहुँचा दी इन्होंने, नोटबंदी के बाद नोटबंदी इस देश को रहने गया है, सबसे बड़े घोटाले में ये शामिल है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, नहीं है। और हम पूरी विनम्रता लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि हम अपनी नहीं के लिए बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर, आपकी बात हो गई, याचिका की बात हो जाए, हो गई सर, हो गया आपकी बात, एक बार जवाब ले लीजिए। ऑन पेट्रोल डीजल इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। ठीक है चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ ना, बोलिए अपराजिता जी, वो पेट्रोल डीजल के भी दाम, ठीक है सर बोलिए, वो कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान ज्यादा करते हैं बजाय इसके कि पेट्रोल और डीजल पर बातचीत के, बोलिए। मैं कहूंगी जो जीता वही सिकंदर। मैं आपको स्कोर बोर्ड देखकर बोल देती हूँ, गोवा का म्युनिसिपल इलेक्शन हमने जीता, राजस्थान का म्युनिसिपल इलेक्शन जीता, बिहार असेंबली इलेक्शन जीता और आप वेस्ट बंगाल जीतने जा रहे हैं।